सरकार के द्वारा मदरसों का सर्वे कराने के आदेश के बाद जिलों में अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। अधिकारियों ने मदरसों के सर्वे के लिए टीम का गठन कर अगली कार्यवाही शुरू कर दी है। जिलाधिकारी मुरादाबाद ने बताया कि मुरादाबाद में पंजीकृत मदरसों की संख्या लगभग 850 है, जबकि गैर पंजीकृत मदरसों की संख्या 2000 है। मदरसों के टीम के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है। एक दो दिन में सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। टीम में SDM, ABSA, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहेंगे। सर्वे अच्छे कार्य के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसमें सहयोग किया जाए। देखिए, मदरसों की चेकिंग के लिए, जांच के लिए एक टीम बना दी गई है। इसमें संबंधित क्षेत्र के SDM, ABSA और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, ये तीन सदस्यीय एक टीम बनी हुई है जो मदरसों की इस जाँच प्रक्रिया को पूरी करेगी और आवश्यकता अनुसार अन्य कर्मियों का भी सहयोग लेगी। हमारे यहाँ ऑलरेडी टीम बन चुकी है और उसके सर्वे का काम वास्तविक रूप से अगले एक दो दिनों में प्रारंभ हो जाएगा। लगभग कितने मदरसे अभी आपके संज्ञान में आए हैं, कि कितने रजिस्टर्ड है, कितने अनरजिस्टर्ड? देखिए, अगर हम पंजीकृत मदरसों की बात करें जो हमारे यहाँ से पंजीकृत है, तो अभी आज की डेट में लगभग 850 के आसपास मदरसे हैं जो पंजीकृत हैं। जो अपंजीकृत मदरसे हैं उनकी संख्या भी लगभग 2000 के आसपास है। एग्जैक्ट संख्या तभी पता चल पाएगी अपंजीकृत मदरसों की जब हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। इसके अलावा सर, क्योंकि मदरसा सर्वे 10 तारीख की तारीख दी गई थी, देखिए 10 तारीख तक चूँकि हमें टीमों का गठन करना था, तो ऑलरेडी टीमों का गठन हो गया था। कुछ अन्य कार्यों में, प्रशासनिक कार्यों में व्यस्तता के चलते सर्वे नहीं हो पाया था। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मुख्यालय से बाहर थे, लखनऊ में बैठक थी, उसमें गए हुए थे। इस कारण से अब सर्वे का कार्य अनिवार्य रूप से हम लोग कल से प्रारंभ कर देंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सर्वे हो जाए। और एक चीज़ हम आपको और अवगत कराना चाहेंगे कि इस सर्वे के पीछे बेसिक मंशा है कि जो बच्चों के पठन पाठन के लिए बेसिक व्यवस्थाएँ और स्थापना सुविधाएँ मदरसों में होनी चाहिए, विद्यालयों में होनी चाहिए, वो हैं कि नहीं हैं और उसमें किस तरह से सुधार किया जाए। बेसिक लक्ष्य है कि उनमें उसको परीक्षण करके जो सुधार की आवश्यकता हो उस पर रिपोर्ट भेजी जाएगी और फिर सरकार का जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई इंफेक्शन सर, यदि कोई रजिस्टर्ड नहीं होता है, उसके लिए क्या आगे? देखिए, अभी तो सर्वे का कार्य किया जा रहा है, उसके बाद जैसा निर्देश मिलेगा तो आवश्यकता अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। लेकिन ये स्पष्ट हम लोगों का मानना है कि जो पठन पाठन है वो निश्चित रूप से इस तरह का हो जिससे बच्चों का ग्रोथ हो और आगे चल करके वो देश के अच्छे नागरिक बन सके। सर, कुछ भ्रांति ऐसी कि जो अनरजिस्टर्ड है उन्हें खत्म कर दिया जाएगा? देखिए, अभी इस तरह का कोई निर्देश नहीं है और मेरी जानकारी में इस तरह का कोई तथ्य नहीं है। हाँ, लेकिन उन मदरसों की स्थिति क्या है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी है कि नहीं, बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था है कि नहीं, शौच की व्यवस्था है कि नहीं है, जो शिक्षा का स्तर है वो मानक के अनुरूप है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि 10 साल बच्चा समय बर्बाद कर रहा है, उसको मानक के अनुरूप शिक्षा नहीं दी जा पा रही, इन बिंदुओं पर हम लोग जाँच करा रहे हैं और इन बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं सर, अभी कुछ सर्वे स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ लोगों द्वारा ये बातें उड़ाई जा रही हैं कि टीमें जो हैं वो आएंगी आकर के उनको फिर उस बाद में तोड़ा जाएगा, क्या लगता है, क्या क्षेत्र में इसको लेकर कोई एक चुनौती नज़र आ सकती है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों का प्रयास यही है कि इसको हम लोग विभिन्न तबकों से बातचीत करके सही तथ्य उनके सामने रखेंगे। अल्टीमेटली सभी चाहेंगे कि उनके बच्चे आगे चल करके न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि देश के लिए भी असेट बने, ये हर गार्जियन अपने बच्चे के बारे में सोचता है। तो जो ये सर्वे है उसके पीछे मंशा यही है कि उसका सुधार किया जाना, बेहतरी के लिए किया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर के मुरादाबाद जनपद में कहीं कोई किस तरह की दिक्कत है। कोई अपील लोगों से? अपील यही है कि देखिए, ये बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए किया जा रहा है, उनकी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो इसमें सभी जो मदरसा के संचालक गण हैं वो लोग इसमें सहयोग करें और सही तथ्य सामने रखें जिससे आवश्यकता अनुसार जहाँ ज़रूरत हो उनको मदद की जा सके, तकनीकी गाइडेंस दिया जा सके और जो उनका शैक्षणिक कैलेंडर है उसको और बेहतर बनाया जा सके। टीम में कौन कौन रखेगा? देखिए, बताया जैसा कि अभी 3 सदस्यीय टीम बनी हुई है जिसमें संबंधित क्षेत्र के SDM, शहर में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट्स को भी लगाया जा रहा है, बाकी देहात क्षेत्रों में SDM, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और बेसिक शिक्षा के ABSA, 3 लोगों की एक टीम बनाई गई है।